यूनियन लिस्ट है इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर एक्ट बनाना उन पर लॉ बनाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है पावर्स है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ओके स्टेट लिस्ट है उसमें भी जितने सब्जेक्ट्स हैं उन पर जो लॉ बनाया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है बट इमरजेंसी पावर्स जब लगते हैं तो भी वो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉ बनाने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है ओके थर्ड हम लोग लिस्ट देखते हैं कॉन्क्रेंट लिस्ट इसमें जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं इन पर कॉमन कॉमनली लॉ बनाया जा सकता है बट मोस्टली ऐसे लॉज होते हैं मोस्टली ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर लॉ बनाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है ठीक है रेजिडरी पावर्स हैं उन पर भी लॉ बनाने की जो कंट्रोल uh, है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है तो फाइनली अगर हम यहाँ ये यह देखें कि, कि किसके पास पावर्स ज्यादा हैं कौन यहाँ स्ट्रॉग है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो